दे दो। जाना है, जाना है। मैं पहुंच गई हूँ मॉल और यहाँ पे बहुत ज्यादा शोरगुल है बिकॉज संडे है और संडे को सारे लोग ये ईस्ट दिल्ली के जितने भी होते हैं सब घूमने यहीं आते हैं। तो चलिए अभी नितेश से मिलते हैं, खेलने दो, वो खेल रही है थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है उसमें हम कहीं और डिनर कर रहे थे, जा रहे हैं और बेसिकली मैं घर से अराउंड 8 o'clock निकली हूँ क्योंकि निकलना 6 बजे ही था बट प्रिशा सो गई एंड मौके पे, तो फिर बाद में मैं निकली हूँ और अभी ये जाने के बजाय यहाँ खेलने में लगी हुई है। एक्चुअली मेरे साथ ये हो जाता है कि नितेश का जब ऑफ होता है उसके बाद ही मुझे जाना होता है कहीं, और नहीं तो फिर अकेले जाना अच्छा भी नहीं लगता मुझे। प्रिशु जाना नहीं है आपको? जाना है कि नहीं जाना? जाना है। बताओ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, नहीं, नहीं तो जाना है, जाना है। चलो हाय हाय, अच्छा दूर से करते गली। अभी भी व्लॉग ही देख रहे हो शायद? आज का, आज का मतलब कल का वाला आ रहा है। ले लिया हाय। आज टाइम क्या होता है? टाइम 9:15 हो रहे हैं। सुबह जाना है, 11 बजे तक वापस आ जाना। एनी हाउ, अब जो वीडियो होता है वो 4K में शूट होता है तो आप लोग ना इसे अपने टीवी पे भी देख सकते हो, बहुत ही मजा आएगा। आज मैं खुद अपना व्लॉग देख रही थी और जो 4K में शूट है अभी लास्ट व्लॉग। और जाने टाइम पे कैसे जाओगे? ऑटो से देखती हूँ। उसे भी दे दो, दे दो। मैंने कुछ नहीं करा। मैं आती हूँ ये वाले शॉप देखते हुए जाती हूँ मोमो की, तो मैंने सोचा आज क्यों नहीं ट्राई किया जाए, और मुझे भूख भी लग रही थी बहुत तेज। वेलकम होम, वेलकम होम, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने साल हो गए शादी को? 10 साल। 10 साल ही हुए है? 10 साल ही हुए? 10 साल हो गए, ज्यादा काट गए। तो मैं आई हूँ हरमीत के घर, हरमीत की एनिवर्सरी है तो आपने देखा मैंने विश किया इसे, और आप लोग भी विश कर देना हरमीत को, ये मेरी बहुत अच्छी वाली फ्रेंड है, मेरी बहन फ्रेंड जो भी बोला सब कुछ है वो आपको पता है। अगर आप मेरे ब्लॉग में बने रहते तो आपको पता ही होगा कि हम लोग सब कुछ एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। न्यू ईयर पे मिले थे बट आज फिर से दोबारा आ गई हूँ। गुड मॉर्निंग। और मासी आते ही इससे अपना स्टैंप दे देती है। देखिए मेरे लिए गिफ्ट आया है, ये वाला ब्लू मेरे हस्बैंड की तरफ से और ये वाला ब्लू मेरी बेस्ट। ब्लू ब्लू सोच रही थी ब्लू दूं या नहीं दूं, मैं वाला कोई बात नहीं मुझे अच्छा लगा। नहीं ये वाला अलग है, ये वाला ब्लू अलग है और दोनों ही शेड है। उसी से लाई हूं जिसका तुझे पसंद आता है, जिससे मैं पहनती हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और पता है बस बेज पहनने की मेरी बहुत खासी वो थी और मुझे ऐसा लग रहा है डिजाइन पहली बार मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद भी हो गया। को मनाने के लिए इतने सारे बलून दिए जा रहे हैं, लेकिन पिशु है कि वो अलमारी खोलने में लगी हुई है। अभी हरमीत बहुत ज्यादा खुश है मेरे आने से, और ऑब्वियस सी बात है मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ खुशी अपने आप आ जाती है। तो इसने अभी फटाफट से मैंने बोला ट्राई करके दिखा साइज आ रहा है तो इसने पहना है, तो साइज वगैरह बहुत फिटिंग ही आई है। पिशु क्या कर रहे हो? हाँ क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या है ओए गुंडा, क्या चल रहा है? देखो यहाँ आई, यहाँ पे भी यही हाल है इसका। डांस की एक नई स्टेप निकाली है इन्होंने।
मैं शूट कर रहा था, इसका स्टेप आता ही नहीं है, पता ही नहीं क्या किया है। पता चलेगा जो भी था बहुत बढ़िया था, कॉमेडी अच्छा नहीं होगा तो हटा देना। रात के 11 बजने वाले हैं और हमारा डिनर रेडी है अभी। जस्ट मैंने और हरमीत ने गर्मा गर्म रोटी से की है और बनाया आज खाने में डिलीशियस सा मटर पनीर, साथ में पुलाव और रोटी सैलेड। तो खाएंगे मस्त और उसके बाद गप्पे सप्पे मारेंगे। आज हरमीत की एनिवर्सरी को 10 ईयर कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने बोल दिया कि आप ऐसे ही साथ रहो हमेशा, हमारी ब्लेसिंग है आपके साथ। वैसे तो हम छोटे हैं लेकिन फिर भी ब्लेसिंग कोई भी दे सकता है ना। सबकी चाहिए होती है हमेशा। फिर हम 25 साल में सिल्वर जुबली मनाएंगे है ना, और अगले साल हमारी भी हो जाएगी। फिर से जितना खाती नहीं है, देखना 2 बाइट खाएगी उससे ज्यादा एक्साइटेड होती है खाना देख के कि जल्दी से मेरे को दे दो, उससे बर्दाश्त नहीं होता है। ये देखो क्या बैठी है मस्त। एक पिशु को भी प्लेट दे दो छोटा सा। बच्चों को जितना खाना नहीं होता ना उतना उसे एक्साइटमेंट होता है। और मैं तो ये सोच के हूँ कि कब प्रिशा जल्दी से खाने लग जाए, ताकि मतलब खाती तो है थोड़ा बहुत लेकिन खुद से खाना सीख जाएगी ना। तो फिर ये होता है बच्चे कुछ भी देखती है उठा के खा लेती है, अभी खुद से नहीं खाती है, इसे याद ही नहीं रहता खेलने में कि खाना है। तुम क्या कर रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो? हटो हटो, मेरी बेटी की कुर्सी दिखाओ। तुम इधर ही बैठ जाओ। हेलो मैडम, टेस्टी है? हो गया। आज फर्स्ट टाइम हमें लेट नाइट आने में बहुत ज्यादा डर लगा है। बस पहुंच गई हूँ, बैग उतारना पड़ेगा, बैग में पर्स है, पर्स में चाबी है। पिशा को ऐसे लपेट के लाई हूँ। पिशा खुश है, पूरी बहुत खुश है ये आज तो। चलो अभी जस्ट घर आई हूँ और रात के बज गए हैं 12:30 और आते ही अभी चेंज भी नहीं किया है, मैंने सोचा पहले ब्लॉग फिनिश कर लूँ। तो अब हम लोगों ने, मैंने और नितेश ने डिसाइड किया है कि अब हम लेट नाइट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बिकॉज ही अनसेफ फील होता है। आज हम बहुत डर डर के आए हैं बाहर से, ताकि मुझे लगा था कि जैसे न्यू ईयर वाले नाइट में लेट भी आए थे तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अभी भी लगा ऐसा कुछ होगा, बट अभी ऐसा नहीं हुआ। आज बहुत ज़्यादा सुनसान था और डर भी लग रहा था, तो अभी फाइनली माता रानी के पास घर पहुँच गए और पूरा सुनसान था रास्ता, डर भी लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। और पीशू को हमने लपेट रखा था ऐसे करके पूरा कार का था स्वीता ने, बहुत ही डर लगा थोड़ा सा। हवा भी चल रही थी, इसके नाक में लग जाती थी, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं। यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।